हेलो देव, वेल्कम टू सेल्फ स्टडी। हम लोग इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस कवर कर रहे थे, यूपीएससी, एसएससी और कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न मिक्स चल रहा है हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज। सो डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो विल बी बाइलिंगुअल, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज है। तो 25 एमसीक्यूज होते हैं हर वीडियो में, सो आज भी 25 एमसीक्यूज हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो फॉलोइंग जो टेक्स्ट दिए हुए हैं ये सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। Which one of the following was the last Buddhist text produced in India? Divya Vandana, Doha Kosham, Vajra Chedika, Vamsa Thapakasini. So the correct answer is Vamsa Thapakasini. Okay, next question. Kalinga War took place in the year. Kalinga War kis year mein hua tha? Of course, as you know, 261 BC. It's a very basic question. So the correct answer is that 261 BC. Next question, which of the following is not one of the animals carved on the Sarnath pillar? Sarnath pillar pe char animals hai aur lion jo hai wo alag se hai. So isme se kaun sa hai jo Sarnath pillar par animal nahi hai carved kiya hua? Options hai humpbull, डियर, एलिफेंट और हॉर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज डियर जो है वो सारनाथ पिलर पर नहीं है, एलिफेंट है, हॉर्स है और हम बुल है। इसके अलावा क्या है यह आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द ऋग्वेदिक आर्यंस वेयर अ पास्चुरल पीपल इज बॉर्न आउट बाय द फैक्ट दैट। ऑप्शन इज There are many references to the cow in the Rig Veda. Most of the wars were fought for the sake of cows. Gifts made to priests were usually cows and not land. All of the above. Rig Vedic jo Aryan the, wo pastoral peoples the. Okay. तो ये इस हमें किस fact पे से पता चलता है कि जो Rig Vedic Aryans थे वो pastoral people थे? Okay. यहाँ पे ऑप्शंस मैंने पढ़े तो इसमें से सही जवाब है कि ऑल ऑफ द अबाउ। ये जो तीनों जो रीजंस यहाँ दिए गए हैं उन तीनों रीजंस से यह हमें पता चलता है कि जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो पास्चुरल पीपल थे। ठीक है, बिकॉज वी नो देयर आर मेनी रेफरेंसेस टू द काउ इन द ऋग्वेदा, देयरफॉर वी कैन से दैट ऋग वैदिक आर्यंस वेयर अ पास्चुरल पीपल एंड मोस्ट ऑफ द वार्स वेयर फाउट फॉर द सेक ऑफ काउज, गिफ्ट मेड टू प्रिस्ट वेयर यूजुअली काउ एंड नॉट लैंड। तो इन सारे जो क्लूज हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि ऋग वैदिक आर्यंस जो है ये पास्चुरल पीपल थे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डीमिंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। जो नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं सेंटर्स है ये लर्निंग के, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है इस चीज के लिए कि चाणक्य जो है ये किस से बिलोंग करते थे। चाणक्य आपको पता है, चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है फेमस टीचर थे, उनके कोर्ट में भी थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की ये याद रखना है। तो ऑप्शंस है ताल, इट्स एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक, इट्स तक्षशिला, देन सेकेंड ऑप्शन इज नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। सो जो चाणक्य थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, ये काफ़ी सारे CHSL के और CGL के एग्जाम में देखा गया है। वैसे तो जो भी सारे हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे SSC से है, SSC, CGL, CHSL, MTS और जितने भी SSC के एग्जाम्स होते हैं। सो पल्लवास की कैपिटल पूछ रहा है, वो ऑप्शन है कांची, वतापी, तिरुचिरापल्ली, महाबलीपुरम। तो करेक्ट आंसर है ए, कांची। कांची जो है, कांची वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। ड्यूरिंग हुज रेगन डिड द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ब्लॉसम।
गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये किसके किस राजा के शासन में या कार्यकाल के दौरान जो है ब्लॉसम हुआ था? गांधारा आर्ट की बात कर रहा है वो, गांधारा स्कूल आर्ट की। ऑप्शंस आर लाइक हर्षा, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त टू। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑफ कोर्स इट्स कनिष्क। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा स्कूल ऑफ लर्निंग जो है ये ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था, जैसे कि हम सभी को पता है। तो ये किस सेक्ट से बेसिकली बिलोंग करता है, किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस रिलीजन में बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उस चीज़ के लिए फेमस है? बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए, वैष्णवतिज्म के लिए या तंत्र विद्या के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धिज्म। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन जो है उसमें कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे जो एब्सेंट थे इन टेराकोटा? टेराकोटा जो होते हैं उनमें कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखने को नहीं मिले? ऑप्शन है बफेलो, शिप, काउपी। वो टेराकोटा की बात कर रहा है। टेराकोटा क्या होते हैं? मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, खिलौने आप कह सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज काउ। काउ का तो एविडेंस कहीं दूर दूर तक उस सिविलाइजेशन में नहीं था। ठीक है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एक्ट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में, मगध में, कलिंग में या सारनाथ में? अशोका की अशोका ने पहले तो आपको पता होगा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अशोका के रेगन में हुई थी। तो अशोका ने ये कहाँ पे की थी? ये की थी उसने पाटलिपुत्र में। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रेगन में हुई है, मतलब किस राजा के टाइम पर हुई थी? तो वो इसका आंसर हो जाएगा अशोका, इट शुड बी रिमेम्बर। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक ये एक फेमस कोर्ट फिजिशियन थे, तो ये किसके कोर्ट में थे? ये हर्षा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क? करेक्ट आंसर इज डी, चरका वॉज अ फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये गांधारा, एक्चुअली गांधारा, ओके गांधारा, इट्स गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये किसके टाइम पर थी? हीनयान सेक्ट, महायान, वैष्णवेट और शैव? करेक्ट आंसर इज बी, महायान सेक्ट जो है इसके टाइम पे गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट था, फ्लोरिश हुआ था। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वेयर टेकन फ्रॉम? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और ये किस, देखो अलग अलग टाइप के उपनिषद होते हैं राइट। बेसिकली सत्यमेव जयते जो हमारे स्टेट इम्ब्लेम है इंडिया का हमारे, सो ये बेसिकली एक उपनिषद से लिया है पहली बात तो। सो इसका करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा, उपनिषद। और आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बेसिकली ये किस उपनिषद से लिया गया है। ये एक्चुअली मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। सो उपनिषद सामवेद, ऋग्वेद, रामायण, ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, बट देखा जाए अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ भी कंफ्यूज करने जैसा नहीं है। ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, आपको बिलीव नहीं होगा, इतना इजी क्वेश्चन सीजीएल में। ओके उपनिषद, सो वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट? लॉर्ड बुद्धा जो है उनका लास्ट टाइम उन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर? ऑफकोर्स इट्स कुशीनगर। ओके, हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, हर्षचरिता जो है ये किसने लिखी थी? हर्षचरिता बेसिकली ये भानाभट्टा ने लिखी थी राइट। हम इसके पहले के वीडियोज में भी ये कवर करा चुके हैं। द गांधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द कुशान पीरियड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, गांधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर जो है कुशान पीरियड के टाइम का किस चीज का, मतलब किस स्टाइल का, किस स्कल्पचरिंग स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन है? इंडो इस्लामिक का है, इंडो पर्शियन का है, इंडो चाइना का है या इंडो ग्रीक का है? सो गांधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ये इंडो ग्रीक स्टाइल का है, ये कॉम्बिनेशन है। हु वॉज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज? ऑफकोर्स इट्स डी, समुद्रगुप्ता। ओके,
ऑप्शंस जिस तरीके के दिए हुए थे यहाँ पे, बेसिकली स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, ऑप्शन देख के शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। दैट्स वाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हु वाज द मदर ऑफ महावीर, महावीर जो है उनके मदर का नाम पूछा है, यशोदा, अनुजा, चेतक और त्रिशला। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज त्रिशला। महाबलीपुरम इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट इन आर्ट्स ऑफ। महाबलीपुरम बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो कि हमें आर्ट्स के इंटरेस्ट को बताती है, तो किसके आर्ट को दर्शाती है, पल्लवास के, चेरास के, पांड्यास के या चालुक्यास के? तो करेक्ट आंसर इज पल्लवास। ओके, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स? बेसिकली इसके पूछने का मतलब है कि ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, अवध, राहुलखंड, बंदेलखंड, मालवा, इट्स बुंदेलखंड, तो इसमें से अवंतिका जो है ये किसका नाम था? करेक्ट आंसर इज डी, मालवा। मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम्स में। हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा? गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा गया है? सुश्रुता को, चयावरा को और धन्वंतरी को या चरक को? करेक्ट आंसर इज सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज हिज रिलीजियस असेंबली एट। हर्षवर्धना ने इसकी रिलीजियस असेंबली कहाँ ऑर्गेनाइज की थी? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या तंत्रलिप्ति? करेक्ट आंसर इज प्रयाग। प्रयाग में हुई थी हर्षवर्धना की रिलीजियस असेंबली। लोथल जो साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड हमें मिले थे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वी आर फाउंड? लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द सिविलाइजेशन आर फाउंड? ऑफ कोर्स इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where do you find the temple of Angkor Wat? It is in Cambodia. Of course, इतना famous temple है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये question सबसे ज़्यादा toughest लगेगा, because देखो options ऐसे हैं, Thailand, Malaysia, Cambodia, Myanmar. अगर options ऐसे हो तो confused होना बनता है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, MCQ सॉल्व किए हैं, तो इससे ज़्यादा easy मुझे भी लगता कुछ होगा, Cambodia. Okay, CGL में आ चुका ये question. पहली बैटल पानीपत की कहाँ पे हुई थी? 1926 में हुई थी ऑफ कोर्स। ओके गाइस, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट क्लिक द बेल आइकॉन। कीप स्माइलिंग एज ऑलवेज, बाय बाय।